चलें जी, अभी हम बंस रोड पर आए हैं और यहाँ पे आज हमने खाना खाना है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी नॉलेज होगा साथ साथ आपके शेयर करूँगी इंशाल्लाह। इस टाइम हम लोग बंस रोड पे आ गए हैं और अनवर बटन पे है, मंटू है क्या है, तो यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। सामने सीजी वाली शॉप है, मेरे पीछे दी सोडा शॉप, ग्रीन एप्पल, तो उसके अलावा बंस रोड। आज हम लोग मेन पे बैठे हुए हैं और ये स्ट्रीट जो है ना बिज़ी रहती है, अक्सर ही बिज़ी रहती है, ठीक है, क्योंकि बंस रोड पे आप आओ और बिज़ी ना हो तो फिर ये हो ही नहीं सकता। खैर, कटाकट भी यहाँ बन रहा है सामने। कटाकट खाया कभी? चकड़क चकड़क टकड़क ये ऐसे चलता रहता है, जो भी है अच्छा ही है। किसी दिन तो मैं कटाकट का भी विज़िट करवाऊँगा। तो बहुत ज़्यादा शोर है, पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ आएगी पीछे नहीं आएगी, और यहाँ पे धुआं भी काफ़ी है जिसकी वजह से ना आंखें भी नहीं खुल रही। तो बाकी जो ब्लॉग है बाद में आपको दिखाती हूँ। साइड से मोमोज लेकर आए भाई ने मुझे 400 की प्लेट दी है, वैसे ये 450 और 500 की बेच रहे हैं। उन्होंने बोला है कि आप ब्लॉगर हो इस वजह से आपको ना मैं ये स्टीम मोमोज है ये फ्राई हुए हुए हैं और अलग अलग सॉसेस में इन्होंने बना के दिए हैं, आप ब्लॉगर हो तो हमारे जो है ना टेस्ट बताइएगा अपने ब्लॉग में। मैंने कहा इंशाल्लाह। और गाइज ये हमारा खाना आ गया है, तो हम लोग खाना इंजॉय करते हैं। खाना इंजॉय करने के बाद फिर आपसे जाना मिलते हैं ब्रेक के बाद। फिलहाल जो है ना हम लोग खाना वगैरह इंजॉय कर लें और सामने कटाकट का जो है ना ये देख टकड़क 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 टक टका टक टक। बंस रोड पे ये बग्गी भी है, मैंने वैसे आज ये फर्स्ट टाइम देखी है नज़दीक से, पहले गुजर गई थी, उसको मैं शूट नहीं कर सकी, तो अभी कर रहे हैं। इसी होटल है और ये सामने क्या है, क्या पता नहीं क्या बोल रहे हो। अच्छा, बहुत प्यारा व्यू है इनका और इस साइड ये बैंक वगैरह है। आज मेरा हाथ बहुत अटका रहा है जिसकी वजह से ब्लॉग शूट नहीं हो रहा। हम खड़े क्यों हैं? PIDC प्लाजा है, PIDC वो लिखा हुआ है, मुझे मेरा हाथ नहीं अटका रहा। माई यूट्यूब फैमिली कैसे, हम सब उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खराब से अच्छे होंगे। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और गाइज इस टाइम हम लोग जा रहे हैं कैंटीन स्टेशन जाना है और थोड़ा सा और कपड़े वगैरह लेने वहाँ जाते हैं, वहाँ से वो कहते हैं फिर आपसे गप्पे छुपे लगाते हैं। तो डेली की जो भी रूटीन होगी आपसे शेयर करते रहेंगे और आगे का सफ़र आपका शनिया के साथ शुरू होगा। ये देखो आपको सामने नज़र आ रहा है, ऐसे लगता है जैसे टाइटैनिक जहाज़ आ रहा है, ठीक है, सेम ऐसा लग रहा है। साथ में आप जाके देखो ये बिल्डिंग है, पूरी ऑफिस है इसके अंदर, लेकिन दूर से ऐसे ये आज हम लोग जी आ गए हैं सदर। ये JS बैंक की बिल्डिंग है। हाँ, JS बैंक की बिल्डिंग है और ये इसका हेड ऑफिस होगा, हेड ऑफिस है। तो आज हम लोग आ गए हैं सैनम मार्केट, यहाँ से हमने शॉपिंग करनी है, फिर शॉपिंग करके फिर इसको आज सदर भी घुमा दूंगा और एम्प्रेस मार्केट भी घुमा दूंगा। अच्छा ना, जितने भी पाकिस्तान में बैंक है ना या जो भी ऑफिस है उनके हेड ऑफिस कराची है। हाँ, अभी स्टेट लाइफ का मैं देख रही थी, कराची में सारे बड़े बड़े कराची में सबके हेड ऑफिस इधर है। हाँ, इधर ये सारी ये बड़ी बड़ी जितना भी इमारतें आपको मिलेंगी ना, आइए चंडीगढ़ रोड पर, ये चंडीगढ़ रोड है, बैंकों की बड़े बड़े हेड ऑफिस इधर ही है, ये हकीकत। अभी यहाँ अच्छा रियल लाइफ से ज्यादा वो लग रहा है, कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा। ये क्या कहते हैं सिंध के मिनिस्टर है, उनका गवर्नर सिंध है, ये उनका ऑफिस है, इनका घर है, मतलब यहाँ होते हैं तो यहाँ गरीबों की सुनते हैं। अच्छा, चले हम भी। नहीं, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। वैसे मैं मतलब पीपी को लायक नहीं करता, लेकिन इन भाई को मैं बहुत पसंद करता। अब देखें जी आप ये बिल्डिंग आती जा रही है, आ रही है, आया है, आया है, मेरे कैमरे पे सही नहीं आ रहा, देखो यार बहुत प्यारा आ रहा है। देखें जी यहाँ पे बहुत प्यारी चल रही है। अभी हानिया का ड्रेस तो फाइनल नहीं हुआ, बट यहाँ पे और चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं। ईयर रिंग्स चेक करें आप, ये जी हानिया के लिए हम ड्रेस देख रहे हैं, लेकिन अभी कोई फाइनल नहीं है ना जी। हाँ, इतनी हाइट होगी इसकी। ये की फ्रॉक देखें, ये भी बहुत प्यारी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। हमारी एज गुजर गई, हमारे मम्मा पापा ने लेके दी एक ये डिजाइन, देखे ये भी बहुत प्यारी फ्रॉक है,
टेल फ्रॉक है शायद, इसमें तीन कलर है, बहुत प्यारे हैं। इसमें मिल जाएगा? नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे नहीं लेके जाऊंगा। ये देखो जी बहुत प्यारे कपड़े, ये प्यारे हैं। इधर है फैसल बैंक और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आया जी। यहाँ से मैंने बैग लिया, बैग में आपको घर जाकर दिखाऊंगी। और यहाँ से द्वार आने के लिए हमने एक बैग लिया दुर्गा में, काफ़ी अच्छे अच्छे बैग थे यहाँ पे माशाल्लाह जी। यहाँ से मैंने वॉच ली है, घर जाके आपको दिखाऊंगी। मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया इस साइड पे। ये सिंधी कपड़े, मज़ा नहीं आया, ये बलोची सिंधी सारे। अच्छा ये बहुत प्यारे कपड़े हैं, वॉच बहुत प्यारी वॉच है यहाँ पे जी। अभी मैं यहाँ से गौन देख रही हूँ लेकिन मुझे काफ़ी खुला चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रही अभी। ये साइज़ तो उन्होंने मुझे बहुत ही खुला दिखा दिया है, काफ़ी अच्छी अंकल के पास वैरायटी है। अभी देखें कौन सा मेरे नसीब में है, जो होगा वो फिर फाइनल घर जाके दिखाऊंगा। काफ़ी पुराने मार्केट हैं, सदर से वापस जा रहे हैं इस टाइम। थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई है, बाकी जो है यहाँ से मुझे तो कोई समझ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हर तरह की चीज़ है और मुनासिब रेट में है जी। मैं यहाँ वेट कर रही हूँ दिलपुर, वहाँ पर टिकट करवाने के लिए गए हैं। पता नहीं कौन सी डेट की करवाते हैं, जो भी डेट होगी वो आपको बता देंगे, लेकिन आज हम टिकट करवा रहे हैं वापसी पंजाब की। चलें जी, ये देखें कितना पुराना दरख्त है। आज मैंने यहाँ पे इतनी पुरानी पुरानी गाड़ियाँ देखी हैं, उसके ऊपर ट्रंक रख के लोग अपना ना सामान लेकर आ रहे हैं। इस साइड से ये कोई ऑफिस है उनकी, यहाँ से वो टिकट करवा रहे हैं। मैं बाहर आ गई, मुझे ऐसे अजीब सा फील हो रहा था। आज फिर हम बच्चा पार्टी आए थे, सूट फाइनल हो गया, अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए, काफ़ी थक गए हैं। चलें जी बस अभी घर चलते हैं। ये नेकलेस चेक करें, इसके अलावा ये चीज़ चेक करें, ये ख़राब भी नहीं होते। शॉपिंग हमारी डन हो गई है बच्चा पार्टी से, मौसम बहुत अच्छा है, खूबसूरत मस्जिद है, अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं, बहुत प्यारा बैठे बैठे। चलें जी, ये मैंने अपने लिए हैंडबैग लिया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है डीजी, पहले चेंज था अभी इसके ऊपर डीजी लिखा था, सिर्फ डी के लिए मैंने लिया है क्योंकि मैं दिलबर को डीजी ही बोलती हूँ। और ये किसी और बैग पर लगा हुआ था तो मैंने कहा अंकल ये आप उतार कर मुझे दे दें, तो बहुत रीज़नेबल बैग मिला। ये ट्रैवल के लिए लिया है, थोड़ा बड़ा है, इसमें काफ़ी स्पेस है और बैग पे भी इसके पॉकेट है, और इंशाल्लाह भी मैं नेक्स्ट और लूँगी, अभी मैंने फ़िलहाल यही लिया है। ये चेक करें, बहुत प्यारा है। नहीं जी, मैंने अपने लिए वॉच ली है, ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये भी बहुत रीज़नेबल मिली है। ये चेक करें, ये बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी इसके ऊपर से कवर उतरेगा ना तो इसकी शाइन में आपको चेक करवाऊंगी, बहुत प्यारी है। एक मैंने छोटा सा ये क्लच लिया है, बिल्कुल सिंपल है ये ना, इसमें आप अपनी मतलब एक वॉलेट मेरे बैग में और भी होता है, ये सिर्फ इसलिए है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं ना थोड़ी बहुत पेमेंट रख के आप लेकर जा सकते हो, आपको इतनी चीज़ें लेके जाने की ज़रूरत नहीं ताकि घूमना हो, इस वजह से मैंने ये लिया है। ये पता नहीं कितने का मिला, मुझे नहीं पता। साथ में मेरे ख्याल में दुआ का बैग था, वो शायद दिलपुर के ब्लॉग में होगा, मुझे नहीं पता। हानिया का एक ड्रेस हमने पसंद किया था लेकिन उसके साइज़ का इशू था तो जिसकी वजह से हमने नहीं लिया। फिर नूर का मैंने ये ड्रेस लिया है, मुझे ये बहुत पसंद आया, और सेम ड्रेस लिया है ऐसा, ये दुआ का है और फादिया का भी है, तो वो तो मेरे ब्लॉग में नहीं है क्योंकि घर पे गेस्ट थे तो वो मैंने दिलबर को वैसे ही दे दिए थे। तो ये हानिया का है, आई होप कि हानिया ट्राउज़र के साथ पहन ले क्योंकि वो ट्राउज़र पहनती तो नहीं है, लेकिन आई होप कि उसे पसंद आएगा। ये बहुत प्यारा सूट है, ये कलर भी हानिया पे बहुत सूट करेगा, बल्कि सब बच्चों पर बहुत सूट करेगा। इस वजह सबसे पहले मैंने दुआ का लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो ना उसके ऊपर वो कलर अच्छा लगेगा। तो बस यही आज की शॉपिंग थी। हाँ एक मेरा गौन है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ ना, ब्लू कलर है मेरे गौन का जो मैंने लिया है, उसके ऊपर ऐसे ये कढ़ाई की हुई है थोड़ी सी डिज़ाइनिंग, ये दिलपुर की पसंद का है। मुझे यहाँ गौन कुछ समझ नहीं आया, इसके बाजू भी काफ़ी ना ऐसे देखें खुले वाले हैं,
गला इसका ऐसे है, साजिप लगी हुई है, तो ये मैंने काफ़ी खुला लिया है। और देखें, लेकिन मुझे गौन कुछ वो जैसा मैं चाहती थी मुझे वैसा नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह ट्राई रखूँगी। ये मामू का ड्रेस वैसे ही हैंग किया हुआ, साथ मेरे कपड़े भी वैसे ही पड़े हैं। इनकी मैंने अभी तह लगानी है, तह लगा के इनको पैक करती हूँ। ये देखे, पहले निशान यहाँ था, फिर ये कल यहाँ पर हुआ। अच्छा, इसकी वजह से ये चीज़ जो है ना, ये मेरी इतनी दर्द करती है ना कि ये अब तो मूव भी नहीं हाथ कर रहा। मुझसे ब्लॉग बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट हैंड है मेरा, बिल्कुल ये वाली वेंस ना रुक गई है, इसमें इतनी पेन हो रही है। पता नहीं ये क्या है, क्या मिलता है ऐसा करके, मुझे तो समझ नहीं आती। चलें जी, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मैं डेली आप लोगों के लिए बहुत नए नए से ब्लॉग बनाती हूँ। आज लैशेज़ मैंने रीफिल की हैं क्योंकि मेरी वो निकल गई थी, और उसके अलावा बच्चों की आज अच्छी सी शॉपिंग भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज़ थी कि जी तुम दिलभर के बच्चों से प्यार नहीं करती, ऐसी बात नहीं है कि, पहली बात यह है कि मैं बच्चों से अभी तक मिली ही नहीं हूँ। मेरे पास कोई लेकर आएगा तो मैं मिलूँगी। हाँ, दुआ को मैं मिली हूँ, हमज़ा को बस मैंने देखा है, बस फादिया को मैंने नहीं देखा। उसके अलावा टिकट भी हमारी हो गई है, और बस यही बोलूँगी, नैना के घर आकर मुझे जो सबसे ज़्यादा प्यार मिला वो गोलू से मिला, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत अटैच हो गया। बहुत अच्छे दिन गुजरे हैं, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह से, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, ना नैना से, ना दिलबर से, किसी से भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बहुत साथ दिया है। और जब घर पे होते हैं उस वक्त भी हम अच्छे तरीके से ही रहते हैं। दूसरी बात यह है कि बस इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं बोलना। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, मुझे भी अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मिलूंगी कल आपको एक और अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।